तो क्या राजभर पलट जाएंगे, फिर से समाजवादी हो जाएंगे? क्या राजभर का इशारा मिल गया है, वो फिर से अखिलेश यादव की गोद में बैठेंगे? बीजेपी की पूर्वांचल में हार का जिम्मेदार कौन है? आरएसएस नेताओं का बयान है सत्ता वाली पार्टी का घमंड है, इसीलिए भगवान राम ने तोड़ दिया और इसीलिए बीजेपी 271 पे अटक गई। अब जिस सरकार में राजभर मंत्री हैं, वो उसी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, तो क्या वहाँ भी खेल होने वाला है? हम आपको राजभर का बयान सुनाएं, उसके पहले समझिए बीजेपी में होने के बाद भी बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जनता के बीच राजभर वोट नहीं ले पाए, ठीकरा योगी मोदी के सिर कैसे फोड़ सकते हैं? तीन तस्वीरों ने राजभर का दिल तोड़ दिया। पहली तस्वीर है जनता की, जिन्होंने राजभर को नकार दिया। दूसरी तस्वीर है योगी कैबिनेट की मीटिंग की, जब उनका लटका हुआ चेहरा उत्तर प्रदेश ने देखा। और तीसरी तस्वीर है मोदी से मिलने की, जब मोदी ने उन्हें भाव नहीं दिया। राजभर का दावा है कि उनके ऊपर आ चाहिए तो वो इस्तीफा दे देंगे। तो क्या बीजेपी की लोकसभा हार से वो हैरान हो गए? क्या वो डर गए? क्या वो इस बात का इशारा दे रहे हैं कि बीजेपी नहीं, अब सपा में जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अखिलेश यादव का भविष्य दिखने लगा है? कहते हैं जब कभी वक्त खराब हो जाए तो सबसे पहले वो लोग साथ छोड़ते हैं जो अपना होने का नाटक करते हैं, और सियासत में ये बात तो एकदम साफ है। अब आप राजभर का बयान सुनिए, फिर आपको बताते हैं राजभर का असर अब कितना है। जहाँ जो लड़ा उसको वोट दिया, और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, असलम धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। अच्छे लोगों को भी हम दवाई करने जा रहे हैं। अपने लोगों से कहते कि नहीं नहीं इधर नहीं उधर वोट दे रखिए, अभी तो सरकार 3 साल रहेगी ना, तब तक हम लोग वो पावर बना लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से और सीट ले लेंगे। राजभर को अमित शाह के कहने पे यूपी सरकार में एक बड़ा मंत्रालय दिया गया। बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन कोई तरीका काम नहीं आया, बेटा हार गया। क्या अब मंत्रालय भी जाएगा? दावा किया जा रहा है कि आरएसएस की हरी झंडी के बाद योगी ने साफ कह दिया है उन्हें राजभर नहीं चाहिए। दरअसल राजभर विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ थे, लेकिन सपा को कोई खास फायदा नहीं हुआ। अपनी सीट किसी तरीके से तो जीत गए, लेकिन सपा को कोई फायदा नहीं दिला पाए। बीजेपी के साथ लोकसभा में होने पर बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिला, यहाँ तक कि अपने बेटे तक को चुनाव नहीं जिता पाए। तो क्या राजभर का मन बदल गया है और वो अब बीजेपी को छोड़कर सपा की तरफ जाएंगे? कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर गलत बयान देने वाले नेताओं को योगी की कैबिनेट में बड़ी हैसियत के साथ बैठाया गया, लेकिन क्या बीजेपी की ये भूल है? क्योंकि चुनाव के दौरान राजभर योगी को भाव देते नहीं देखे गए। कहा जाता है कि राजभर का कंट्रोल दिल्ली से होता है। 5 जून को राजभर का एक और बयान आया था, जिसमें साफ इशारा था कि वो हार की बौखलाहट के कारण योगी को छोड़कर जाने वाले। मंत्री पद से ज्यादा जरूरी है उनका खुद की पार्टी का वजूद, जो खतरे में आ गया है, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव में राजभर को अखिलेश यादव ने हरा दिया तो फिर राजभर क्या करेंगे? ना इधर के ना उधर के होंगे। इसीलिए 5 जून वाला बयान भी सुनाते हैं। हम बेशक भाजपा से समझौता किए हैं, लेकिन जिस दिन तेरे ऊपर आ जाएगी, सबसे पहले अगर कोई इस्तीफा देगा तो ओम प्रकाश राजभर देगा। अपने बेटे अरविंद राजभर को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, वो शेर का बच्चा है और मैं उसका बाप हूं। जितने लोग लड़ रहे हैं, किसी की औकात नहीं उसके सामने बात करने की। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री से बिना चुनाव जीते आज की डेट में मेरा बेटा बात करने की हैसियत रखता है। तो राजभर का क्या होगा, भगवान ही जाने। जहां हार वहां से पलटवार, कभी योगी की गोद में बैठकर बहाते हैं आंसू, कभी अखिलेश भैया के हो जाते हैं न्यारे राजभर।